स्टूडेंट्स वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ पॉलिटी सेक्शन से है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है जिसमें आपको ये बताना है कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के जो निर्वाचित होने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कौन कौन सी समानताएं हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी असमानताएं हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन के अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो फ्रांस है वे आधुनिक विश्व के शुरुआती गणराज्यों में से एक है और भारत ने जो फ्रांस के संविधान से जो गणतंत्र शब्द है उसको अपनाया है और भारत और जो फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में दोनों अपने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं और इसके साथ ही कुछ औपचारिक पदों का भी ये निर्वहन करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया के बीच में समानताओं के बारे में तो इसमें जो चुनाव होता है प्रति 5 वर्ष में एक बार आयोजन इसका किया जाता है, यानी कि दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही इसमें जब तक उम्मीदवार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर लेता तब तक चुनाव प्रक्रिया के दौर इसके अंतर्गत चलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे 4 उम्मीदवार हैं और इसके अंतर्गत फर्स्ट राउंड की वोटिंग कराई जाती है और फर्स्ट राउंड के अंतर्गत किसी उम्मीदवार को 50+1 वोट इसके अंतर्गत प्राप्त नहीं होते, यानी कि उसको पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता, तो इसके अंतर्गत सेकेंड राउंड भी इसके अंतर्गत आयोजित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत दोनों राष्ट्रों के बीच में जो चुनाव प्रक्रिया के जो दौर चलते हैं उसमें तो समानताएं हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत इनके बीच में कुछ असमानता है जो कि हम असमानता वाले खंड में उसको देखेंगे। इसके अलावा चुनाव जीतने के दोनों राष्ट्रपतियों को अलग अलग कॉलेज ऑफ जो इलेक्टर्स होते हैं उसका पूर्ण बहुमत इसके अंतर्गत हासिल करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया के बीच में असमानताओं के बारे में तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो सांसद और जो विधायकों का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा किया जाता है, तो उसी तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह संसद और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य यानी कि जो हमारे सांसद हैं जो हमारे विधायक हैं वह राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। इसके साथ ही हम दोनों राष्ट्रों के बीच में असमानताओं की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के जो नामांकन के लिए जो प्रस्तावक के रूप में 50 और समर्थकों के रूप में इसमें 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, इसके विपरीत जो फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में होता है उसे 500 निर्वाचित अधिकारियों की इसके अंतर्गत जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें अन्य असमानताओं की तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसमें 2 राउंड में इसको बांटा जाता है, जैसे कि अभी आपने बात की थी समानता वाले खंड में जिसमें फर्स्ट राउंड के अंतर्गत किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत किसी को भी हासिल नहीं होता, तो इसके अंतर्गत राउंड का दौर शुरू हो जाता है जो कि दोनों राष्ट्रों के बीच में समानता है, लेकिन इस राउंड के दौरान कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बीच में दोनों राष्ट्रों के बीच में असमानता देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रांस और इंडिया के बीच में तो यहाँ पर अगर फर्स्ट राउंड में मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं तो फर्स्ट राउंड के अंतर्गत जो भी इसमें थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आएगा तो सेकंड दौर में इन थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाले को हटा दिया जाएगा और जो वोटिंग की जाएगी वह फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही की जाएगी और दूसरे राउंड में इनमें से दोनों कैंडिडेट में से जिसको भी 50+1 वोट इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे वह राष्ट्रपति का चुनाव इसके अंतर्गत जीत जाएगा। तो फ्रांस के अंतर्गत ये 2 चरणों की प्रोसेस अपनाई जाती है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लिस्ट प्रणाली इसके अंतर्गत अपनाई जाती है, यानी कि इसमें जो भी इसमें जो उम्मीदवार होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस जो मतदाता होता है उनको इसके अंतर्गत लिस्ट के अंतर्गत इसमें देनी पड़ती है, यानी कि फर्स्ट पर जो अगर 4 कैंडिडेट इसके अंतर्गत हैं तो फर्स्ट पर उनको प्रेफरेंस देनी होगी कि हम इसमें ए को प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड पर देनी होगी मान लीजिए उसने सी को प्रेफरेंस दी, ऐसे ही थर्ड पर मान लीजिए उसने डी को प्रेफरेंस दी और फोर्थ पर मान लीजिए उसने बी को इसके अंतर्गत प्रेफरेंस दी। इसके बाद सभी मतदाताओं की इसमें फर्स्ट प्रेफरेंसेस इसके अंतर्गत देखी जाती हैं और अगर फर्स्ट राउंड के अंतर्गत किसी को भी पूर्ण बहुमत अगर इसमें किसी भी उम्मीदवार को हासिल नहीं होता तो सेकंड दौर इसके अंतर्गत चलाया जाता है और सेकंड दौर में होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी लास्ट होता है तो उसका सेकंड प्रेफरेंसेस देखी जाती है, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो फर्स्ट राउंड में देखी गई थी सेकंड प्रेफरेंसेस में वो जो
फोर्थ लास्ट पर आया है तो उसकी सेकंड प्रेफरेंसेस देखी जाएंगी और उसमें सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर उसको वोट मिल जाते हैं। यानी किसी जो मतदाता की जो फर्स्ट प्रेफरेंस डी थी तो उसने जो सेकंड प्रेफरेंस मान लीजिए सी को दिया था, तो उसका जो सी को एक वोट इसके अंतर्गत ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें कई सारे राउंड इसके अंतर्गत चलते हैं। अगर सेकेंड राउंड में भी अगर ये डिसाइड नहीं हो पाता तो इसके अंतर्गत थर्ड प्रेफरेंसेस को इन दोनों के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अंत में जिसको 50+1 वोट इसके अंतर्गत प्राप्त हो जाते हैं यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, वह राष्ट्रपति का चुनाव इसके अंतर्गत जीत जाता है। यानी इसके अंतर्गत दूसरे चरण में कोई वोटिंग नहीं की जाती बल्कि इनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको इसके अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया जाता है। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत सेकेंड राउंड में इन दोनों कैंडिडेट के बीच में वोटिंग कराई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य असमानताओं की तो भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव के विपरीत फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जमानत राशि हमको नहीं देनी पड़ती। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि देनी पड़ती है, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए जो आयु योग्यता रखी गई है वह 23 साल रखी गई है और भारत के राष्ट्रपति के लिए जो आयु योग्यता है वह 35 साल रखी गई है। इसके अलावा जो फ्रांस का जो राष्ट्रपति होता है वह एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यानी भारत में कितने भी टर्म के लिए कोई भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये हमने बात की भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच में असमानताओं के बारे में। इसके बाद हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं मौजूद हैं। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया इसमें अलग हो सकती है लेकिन राष्ट्र के विकास और समृद्धि की राह पर चलने के लिए जो संबंधित गणराज्यों के प्रमुख के रूप में उनकी जो भूमिका है और विविध राष्ट्रों में जो सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की उनकी जो क्षमता है वे दोनों राष्ट्रों में समान दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए GS पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक GS Academy। थैंक यू।